हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज होने वाला है अमेज़ॉन हॉल, जहां से मैंने कुछ प्लाज़ो कुर्ती और कुछ कुर्ती सेट, कुछ कुर्तियां, एक्सेसरीज़, ये सब चीज़ें मंगाई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगें और आप मुझे कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं और मुझे वहां पे एडवाइस भी कर सकते हैं कि मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊं या किस तरह की वीडियो बनाऊं या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे अपना सजेशन देंगे। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हैं कुछ कुर्तियाँ जो कि मुझे ये कुछ कुर्तियाँ और ये आइटम है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और वो मुझे ऐसे पैकेज में रिसीव हुई थी। सबको ही पता है कि अमेज़ॉन की पैकिंग कैसे आती है, तो इसलिए मैंने पैकिंग पहले से ओपन कर ली है। तो चलिए, पहली है ये ग्रीन कलर की कुर्ती। मैं इसका रियल इमेज यहाँ कहीं लगाती जाऊँगी, आप वो देख लीजिएगा। ये है अमेज़ॉन की पहली कुर्ती, कॉटन की है। अभी ठंड बहुत है, कॉटन का पहनने का कोई मतलब नहीं है, बट आने वाले टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं और बहुत अच्छा लुक देगा ये। और ये इस तरह का, इसमें ऑफ वाइट कलर की ये पट्टी है और यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, पोटली बटन सब क्लोज्ड हैं। और ये ऐसा नेहरू कॉलर है, मैंने एक्सेल साइज में मंगाया हुआ है इसे। 1/4 स्लीव है, 1/4 स्लीव है इसकी। और इसमें कुछ इस तरह से पाइपिंग दी हुई है, जिस कलर का इसका प्लाजो है और उसी कलर की यहाँ पे पाइपिंग के साथ ये पोटली बटन दी हुई है। पूरा कुर्ते पे ऐसे ही फॉइल प्रिंट बना हुआ है। ये फॉइल प्रिंट मुझे बहुत अच्छे तरीके का लग रहा है, जिसमें कि ये मतलब छूटेगा नहीं। बट हाँ, ऐसे फॉइल प्रिंट को आप वॉशिंग मशीन में मत धोइए, हैंड वॉश करिए तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और इस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा, सिर्फ इस पे मेरा साइज़ लिखा हुआ है, एक्सेल साइज़। प्योर कॉटन है, शेयर्ड नहीं है। अगर आप बहुत, ये देखिए, शेयर्ड नहीं है। ये इसका फाइनल लुक कैसा आता है मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। और इसमें सेम इसी ही कलर का ये पैंट है, ये पैंट कह लीजिए, प्लाज़ो कह लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बॉटम नहीं है, इतना ही है। तो आप इसको चाहे नैरो बॉटम का प्लाज़ो कह लीजिए, चाहे पैंट कह लीजिए। साइड में इसके 1 पॉकेट है, ये साइड में इसके पॉकेट है। और इसके ये पूरे चारों साइड में रबड़ है, बहुत स्ट्रेचबल है, अच्छा है, कंफर्टेबल है पहनने में। पूरे में फॉइल प्रिंट है और ये डार्क ग्रीन कलर का आ रहा है, बट आई होप कैमरा कैच कर रहा है। ये डार्क ग्रीन कलर का ही है। सेकंड है ये, एक्चुअली ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको जैसे ही आया ना फटाफट ओपन करके इसको मैंने देख लिया। इसको बहुत लोगों ने देखा होगा, तो ये बिल्कुल डमी पे एकदम प्लेन लग रहा था, बट जब आया ना तो ये ऐसा जयपुरी कपड़े में है, ये जयपुरी कपड़े में। इसकी भी 1/4 स्लीव है, ये ऐसा बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल गला इसका, ये देखिए बिल्कुल गोल गला है, 1/4 स्लीव है। स्लीव पे इस तरह की ना ये गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, ये गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है। इसमें भी कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन इसका सबसे अच्छा ये है कि इसकी जो ये कढ़ाई दी हुई है ना, ये आपको पहले मुझे लगा था कि ये शायद इसी कपड़े में ही है, बट ये कपड़े में नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई है इसमें, लिटरली। ये पीस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, ये बस नीचे पूरी कुर्ती में ऐसे ही है। बैक इसका नॉर्मली जैसे कुर्ते में होता है प्लेन, ऐसा ही है। बट इसमें मुझे एक चीज़ लगा कि ये पीछे इसमें जोड़ लगा हुआ है, ये आई होप देख पा रहे होंगे, ये क्यों लगा हुआ है पता नहीं, बट ये इसके अलावा इसमें मुझे और कोई कमी नहीं लगी। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद आया है, और रेड कलर और येल्लो तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। आई होप ये मुझसे अच्छा लगे। ये था, और इसका ही ये आया हुआ है शरारा,
वाइट कलर का शरारा है, इसमें पॉकेट नहीं है किसी भी साइड में, ये, और इसमें भी ये रबड़ है। ये आपको लग रहा होगा गोटा पट्टी है, बट ये गोटा पट्टी नहीं है, ये फॉइल प्रिंट से ये दिया हुआ है, ये फॉइल प्रिंट का प्रिंट किया हुआ है। नीचे भी दो लेयर इसकी है, दोनों में ऐसे ही प्रिंट किया हुआ है। ये एकदम प्लेन सिंपल है, बट ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये इन्होंने। ये गोटा पट्टी है, बट इसमें गोटा पट्टी ये नहीं है, इसमें फॉइल प्रिंट से ये गोटा पट्टी का पैटर्न दिया हुआ है। ये तो थी दो कुर्तियाँ, और इसका प्राइस इन दोनों का या इन सब का प्राइस और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड है ये कुर्ती, एक्चुअली ये कुर्ती का सेट है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये कॉम्बो है, बट ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मुझे ये दोनों कॉम्बो मिले हैं, पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कुर्तियाँ स्टॉक आउट हो गई थी ये, तो ये पता नहीं अभी है कि ये स्टॉक आउट, ये पता नहीं अभी है कि स्टॉक आउट हो गए हैं, बट अगर होंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है। वैसे तो 4000 का दिखा रहे थे, 3999 का दिखा रहे थे, पता नहीं क्यों, बट ये मुझे आई थिंक 400 के अंदर अंदर मुझे ये दोनों कुर्तियाँ मिल गई हैं, और ये बहुत ही अच्छे मतलब कह सकते हैं ना कंडीशन, अच्छे कंडीशन में है, बट ये कॉटन नहीं है, ये है पॉलिस्टर, ये है पॉलिस्टर। ये थर्ड फोर्थ स्लीव है, इसमें राउंड नेक है, इसमें भी अगेन कोई ब्रांड नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ साइज़ लिखा हुआ है, पता नहीं, ये फ्रंट में भी और ये बैक में भी, ये पॉलिस्टर है, कॉटन नहीं है अगेन, और ये ब्लैक कलर का है, इसमें रेड रेड कलर का ये फ्लावर बने हुए हैं, फ्लावर में भी बहुत फिनिशिंग है, अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए फ्लावर में बहुत फिनिशिंग है, और इसमें आप रेड ब्लैक येलो या फिर ऐसा ग्रीन कलर, कैसे भी कलर का लेगी प्लाजो या जो भी बॉटम यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये था पहला, और इस कॉम्बो का दूसरा कुर्ता है, एक्चुअली मैंने इसको देख लिया था और देखने के बाद मैंने पैक कर दिया था, ये तीन पॉलीथीन में पैक होके आई थी, एक अमेज़ॉन वाली, एक दोनों को रैप करके, एक सिंगल सिंगल। तो सेकंड है ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कलर की है, ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है इस पर, ये ब्लैक कलर की पट्टी है, 1/4 स्लीव है, ये मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा था, लेकिन ये का मतलब चेक चेक से है तो शायद ना लगे, मतलब पहनने पे ना हो, अगर हो तो आप इसमें ब्लैक कलर की या वाइट कलर की स्ट्रैगडी पहन सकते हैं। एक्चुअली इस प्रिंट को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस कुर्ती में वैसे तो कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, ब्लैक एंड वाइट है, वो रेड और ब्लैक में कॉम्बिनेशन में था, बिल्कुल प्योर ब्लैक। जो भी लिंक होगा और जो प्राइस होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बात कर लेते हैं इस कंगन की, ये कंगन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसमें रेड और ग्रीन कलर की स्टोन दिए हुए हैं, और ये गोल्डन जरी में है ये, और ये मुझे इस तरह के पैकेज में रिसीव हुआ था, पता नहीं मतलब अगर ये बॉक्स वगैरह में होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ये बॉक्स इसके लिए वर्थवल नहीं है। इस पॉलोथीन के अंदर करके इस बॉक्स में था, तो पॉलोथीन तो ठीक है, पॉलोथीन के अंदर जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर इसको ज़्यादा स्टडी रखना है तो इसको अगर बॉक्स में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टोन ख़राब नहीं होंगे। बाकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, और इसे आप सिंगल भी पहन सकते हैं और डबल भी पहन सकते हैं, चूड़ियों के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
सुखी की ज्वेलरी जो कि मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुई है। मैंने इसको खोल के एक्चुअली अभी देखा था, तो पहला है ये सेट, इसमें स्टोन लगा हुआ है और इसमें ये मांग टीका है और ये इयररिंग्स है। मुझे इसका इयररिंग्स अच्छा नहीं लगा, मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, बट ये इसका सेट सही है। आप इसे किसी हैवी इयररिंग्स के साथ पहन सकते हैं और ये अरा मांग टीका भी आप सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके इयररिंग्स ना बिल्कुल बोलते हैं ना स्टक हो जा रहा है बार बार, तो ये मुझे सेट सही लगा, बट इसके इयररिंग्स अच्छे नहीं है। सेकंड है ये मोतियों की इसमें नीचे मोती लगे हुए हैं और एक सिंगल स्टोन लगा हुआ है बीच में, आप देख सकते हैं एक सिंगल स्टोन लगा हुआ है। ये मोती है, इसे आप साउथ सिल्क साड़ियों के साथ या किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें है ये इयररिंग्स, इसके इयररिंग्स की क्वालिटी अच्छी है, इस इयररिंग्स को आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं। और ये है अगेन इसका मांग टीका, ये है इसका मांग टीका, इसका मांग टीका भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप इसको सिंगल भी यूज कर सकते हैं और पूरे सेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूँ।